आईपीएल मैच से जुड़ी हर खबर इस वक्त सुर्खियों में है, लेकिन रवि किशन की आईपीएल मैच की भोजपुरी कमेंट्री हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां रवि के इस अंदाज की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बेहद घटिया बता रहे हैं और रवि किशन पर तंज कस रहे हैं। रवि किशन ने भी इसका माकूल जवाब दिया है। आपको बता दें कि भोजपुरी कमेंट्री का तड़का कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो कुछ इसे आईपीएल का स्टैंडर्ड घटाने के जैसा ले रहे हैं। रवि किशन क्या कहते हैं इस बात पर लेकर, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा, भोजपुरी मेरी पहचान है, भोजपुरी एक लिटरेचर है, लेकिन एक तबका उन्हें कुछ गानों और फिल्मों की वजह से हीन दृष्टि से देखता है। मेरी यही कोशिश है, मैं कैसे इस नजरिए को बदलूं। आईपीएल का जब ऑफर मिला तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां अपनी मातृभाषा को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पहुंचाकर उसे सम्मान दिलाऊं। इसका फायदा भी मिला। मुझे किसी ने कहा, भोजपुरी कमेंट्री के बाद आईपीएल मैच की 20% व्यूअरशिप बढ़ी है। बहुत से लोग जो मैच नहीं देखते वो भी देख रहे हैं, नॉन भोजपुरिया लोग भी देख रहे हैं। मामला बड़ा हिट हो गया है, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं उनका कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हुई है और मुझे इस चीज को लेकर के गर्व है। आपको बता दें कि भोजपुरी कमेंट्री का आइडिया आईपीएल में बिल्कुल नया है और इसे लेकर एक तरफ जहां बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, वहीं कुछ लोग इसे बेहद घटिया और फूहड़ तक बता रहे हैं। लेकिन रवि किशन का कहना है कि दरअसल वो भोजपुरी को एंजॉय करते हैं और सभी लोग दिल से देसी हैं। जो नेगेटिव लोग हैं और थोपी हुई अंग्रेजियत ही बोलते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता।